अपनी बाइक की जो टॉप स्पीड होती है उसे चेक करने वाले हैं। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पे आए थे थोड़ा सा पेट्रोल भरवाने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मैं आ चुका हूँ रोड पे, बहुत ही बेहतरीन सा रोड है ये। तो हम वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अच्छा क्योंकि गाइस आज हम अपनी बाइक की जो टॉप स्पीड होती है उसे चेक करने वाले हैं। तो अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ऊपर से हम फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, इस तरीके से जो फिफ्थ गियर तक हम चेक करने वाले हैं कितनी स्पीड पे भागती है हमारी बाइक। तो बहुत ही एक्चुअली मतलब कि बाइक जो है वो 5 साल हो चुके हैं इस बाइक को, मतलब कि बहुत ही ज्यादा चल चुकी है। तो आई डोंट नो क्या सीन होता है, मतलब कि कितना चढ़ पाती है अपना हमारी बाइक। तो देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी यार आप लोग अंत तक बने रहो वीडियो में, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलते हैं अपनी बाइक की और दिखाते हैं अपनी बाइक की हालत। आइयो बहना। गाइस यार बाइक की हालत कुछ इस तरीके की हो रखी है। बाकी यार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मतलब इसमें जो कुछ भी मॉडिफिकेशन अब तक हुआ नहीं है, मतलब कि बहुत जल्द हम इसकी मॉडिफिकेशन भी शुरू करने वाले हैं। बाकी यार इसका जो एग्जॉस्ट है उसको एग्जॉस्ट भी हम उतार देंगे। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गोली होती है उसे लगा देंगे। बाकी यहाँ का जो इंडिकेटर होता है इंडिकेटर भी नहीं लगाया, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा इसको। ये बड़ी अच्छी बात कही इसलिए मतलब कि थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। बाकी यार टाइम मिल जाता है और पैसा भी हो जाता है तो इसके मॉडिफिकेशन भी शुरू कर देंगे। बाकी यार बाइक की हालत देख ही सकते हो। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं अपने सेटअप के और बाकी यार आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइज यार जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो मैं आ चुका हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ, ऑल सेट के साथ। तो गाइज यार देख सकते हो यहाँ का जो नज़ारा है, मतलब कि जो नेचर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। मतलब कि अपनी गांव में जो नेचर है वो यहीं पे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, मतलब कि इसीलिए मैं जो है यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बाकी यार यहाँ का नज़ारा देखो, मज़ा आया। पूरा जंगल ही जंगल हो रखा है, बहुत ही मज़ा आता है जब कैमरे में कैद हो जाता है ना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को हमें मिलता है। तो गाइस अभी हम जाएंगे डायरेक्ट पेट्रोल पंप की ओर और वहाँ से जाके थोड़ा बहुत पेट्रोल भरवाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे रोड के लिए। तो रोड तक जाने तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो कोई अपलोड करता हूँ तो अब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से देख पाओ और वीडियो को लाइक कर सको, ठीक है ना गाइज। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पे आए थे थोड़ा सा पेट्रोल भरवाने के लिए। तो पेट्रोल डलाते हैं उसके बाद हम निकलते हैं अपने पोजीशन की तरफ। सो गाइज जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मैं आ चुका हूँ रोड पे, मतलब कि हरियाली के मौसम है। आ हा क्या बात है गाइज, देख सकते हो हरियाली ही हरियाली। तो अभी लगाते चलो भाई देखो अपने क्या करते और फटाफट से निकलते हैं अपनी टेस्टिंग की और देखते हैं क्या होता है हमारा रिएक्शन बाइक की। तो फटाफट से निकलते हैं, चाबी अभी लगा दिया, अभी स्टार्ट करेंगे। तो अभी निकलते हैं डायरेक्ट। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी हो जाएगी वीडियो में, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को आज में सीनरी या फिर रोड ये सब नहीं दिखा पाऊँगा, सॉरी। क्योंकि गाइज आप लोग मीटर पर ध्यान रखो ताकि जो कितनी स्पीड होती है लिमिट आप लोग देख पाओ। तो ठीक है गाइज आज का जो वीडियो है वो आप लोग मीटर ही देखते रहो। तो फिर कभी ये इस रोड पे आएंगे तो हरियाली हरियाली या फिर रोड जो भी देखना चाहते हो दिखा देंगे। बहुत ही बेहतरीन सा रोड है ये, मतलब कि बीच बीच में स्पीड ब्रेकर भी है तो इतना अच्छा मानने की भी कोई कोशिश ना करें। तो गाइज देख सकते हो 54 तक आ चुके हैं और यहाँ पर एक मोड़ है, न्यूटन है, तो इसीलिए हमें स्लो करना पड़ेगा और पूरा सुला देंगे बाइक को। टुक टुक आ चुका है सामने गाइज, ये देख सकते हो बकरी भी आ चुकी है सामने। इसीलिए गाइज मैं मतलब कि बाइक जो है पूरा रेस नहीं कर पाता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब कि आगे जो है मुझे शायद बकरी वकरी ना दिखे, तो देखते हैं कैसे होता है। फिर से एक बार 50 यार बात करें हम अपनी बाइक की परफॉर्मेंस की तो वो बहुत ही बढ़िया थी, मतलब कि इतना कह सकते हैं, मतलब कि इसमें 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, 188 दिखाते हैं वैसे। तो मुझे तो इतना ही हुआ, मतलब कि 60 तक ही मेरा खत्मा हो चुका है। अभी फिर से हम चेक करने वाले हैं दूसरा राउंड, तो हम देखते हैं क्या सीन होता है अगले वाले में। बाकी यार आप लोग आज का जो माहौल है वो माहौल भी देख सकते हो, बहुत ही सुहाना माहौल है। बाकी यार अपना बाइक जो यहाँ पे लगा हुआ है
मैं रोड छोड़ के आ चुका हूँ, मतलब कि वहाँ पे रोड है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मतलब कि वीडियो की क्वालिटी के लिए, मतलब कि वहाँ पे अगर वीडियो करते हैं ना तो मेरी वॉइस जो है वो माइक्रोफोन के ज़रिए से यहाँ पे नहीं आएगी, मतलब कि बहुत गाड़ियाँ चलती है ना, तो इसीलिए मतलब कि पब्लिक रोड पे नहीं कर सकते। तो गाइस यार यहाँ का जो माहौल है देख सकते हो कुछ इस तरीके के हो रखी है। बाकी यार बात करें अपनी बाइक के बारे में तो इतना ज़्यादा हीटअप हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ से जो है पूरा हीट निकल रही है। तो निकलने देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी यार हम लोग फिर से जाएंगे रोड की ओर और एक बार फिर से हम 70 के ऊपर ही जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हो पाता है तो जाएंगे, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई कर लेंगे अगली बार किसी बड़े रोड पे। तो ये जो देख रहे हो आप लोग, ये रोड जो है ये पब्लिक रोड है, इसीलिए हम जो है इस पर अपने ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकते, बहुत गाड़ियाँ आती है, टुक टुक भी आती है, तो इसीलिए गाइस हम चलते हैं। तो गाइस हम फिर से चलते हैं अपने रोड की ओर और देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मैं आ चुका हूँ फिर से एक बार रोड पे और मैं फिर से कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना उठाने की, मतलब कि स्पीड पे भागाने की। तो जैसे कि देख ही सकते हो 44 के आसपास जा रही है अभी बाइक, तो आप लोग मीटर के तरफ ध्यान करो, मैं आगे देख के गाड़ी चलाता हूँ, तब तक आप लोग देखते रहो और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दो। तो गाइस यार जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया, मतलब कि यही सीन होता है अपने इंडिया के रोड पे, मतलब कि ये तो हल्का फुल्का रोड है, मतलब कि छोटा मोटा रोड पे यही होता है सीन, मतलब कि कभी कभार कुत्ता आ जाता है, कभी कभार बकरी आ जाती है, कभी कभी टुक टुक ही आ जाती है बाइक के नीचे। यार मतलब कि कैसे बाइक चलाए तो चलाए कैसे, तो सीन यही होता है। इसी के कारण जो है मतलब कि मैं बाइक पर स्पीड दे ही नहीं पाता हूँ कि सामने बकरी आ जाती है, क्या ही कर सकते। गाइस यार हम कुछ तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए गाइस आप लोग देखते रहो, बाकी यार मैं रोड पे ही देखता हूँ, नहीं तो कहीं मुझे ही ना भारी पड़ जाए। तो गाइस यार ये तो था मेरा चैलेंज, तो मैं अपने चैलेंज को इस्तीफा दे देता हूँ, मतलब कि मुझसे नहीं होगा इससे ऊपर का, रोड की हालत बहुत ही खराब। तो गाइस यार जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया, मतलब कि इस काम को अंजाम में नहीं दे पाया, मतलब कि इस काम के लिए ना बहुत ही जिगरा होने चाहिए, मतलब कि राइडर की ज़रूरत होगी, तो हम तो छोटे मोटे ड्राइवर हैं ना, इसीलिए हमसे ना हो पाएगा। तो गाइस क्या कर सकते इससे आगे, कुछ भी नहीं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल सही मीमी है गाइस, मतलब कि मुझसे तो ना हो पाएगा, इसके लिए राइडिंग गियर्स भी होने चाहिए, बाकी यार सेफ्टी गियर गार्ड भी होना चाहिए और हाईवे भी होना चाहिए, मतलब कि मैं जिस रोड पे अभी चल रहा हूँ सामने देख ही सकते हो कुत्ता दौड़ रहा है, अब यहाँ से कैसे जा सकते हो आप बताओ हमें, तो इसी के कारण जो है डर भी लगता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सो गाइस यार आज के लिए बस यही तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक के साथ। बाकी यार आप लोग आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर देना और अगर वीडियो ना भी पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक करके कमेंट कर देना। बाकी यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।